नमस्कार, मैं गुंदन कुमार सिंह महामाना एजुकेशन हब के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार विधानसभा वेरियस पोस्ट ग्रुप डी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2018 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कंप्लीट जानकारी लेकर आया हूं, जो आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके नौकरी संबंधित किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल का हो या फिर कॉलेज का हो या उसके अलावा करियर ऑप्शंस, सब चीज़ के बारे में जानकारी मैं लेकर आता रहूँगा वीडियो के माध्यम से, जिसको आप देखकर सुनकर काफ़ी ही ज़्यादा लाभान्वित और आपके हर तरीके से करियर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा, ये मेरा वादा है। तो मैं आगे चलता हूँ कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। बिहार विधानसभा सचिवालय आर इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ड्राइवर एंड द ग्रुप टी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट इन बिहार सचिवालय वैकेंसी 2018। दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू फॉलोइंग रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट एंड कंप्लीटेड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फॉलोइंग नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन के जरिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बिहार विधानसभा सचिवालय में ग्रुप डी की काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, जो एडवर्टीजमेंट नंबर जो है ये है 4th 2018। अब मैं आगे आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन शुरू होने की पहली तिथि है ये है 23 अक्टूबर 2018 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और इसकी जो अंतिम तिथि अप्लाई करने की वो है 22/11, मतलब कि 22 नवंबर 2018। तो आप उससे पहले पहले ज़रूर ही भर लीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। और इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा आपका। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है सिर्फ 100 रुपये, जनरल OBC के लिए, SC ST और फिजिकली चैलेंज के लिए 25 रुपये, और फीमेल कैटेगरी के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये। टोटल पोस्ट 166 है, 166 पोस्ट आर देयर। एज लिमिट जो है वो है 18 से 37 साल, 18 to 37 ईयर्स। एलिजिबिलिटी आपको बता दूं कि आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए, मैट्रिक एग्जाम पास ऑन द रिकॉग्नाइज बोर्ड। और ड्राइवर के लिए जो है ये है क्लास 10th हाई स्कूल विद अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल, दोनों का ही होना चाहिए। अब देख लीजिए आप कि ऑफिस अटेंडेंट, फिर इसके बाद है ऑफिस अटेंडेंट वॉचमैन, ऑफिस अटेंडेंट स्वीपर, ऑफिस अटेंडेंट गार्डनर, ऑफिस अटेंडेंट फराश और लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसके बाद है सीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये सारे के सारे पोस्ट हैं और टोटल इंक्लूड मिला के बनाते हैं आपके 166 पोस्ट। तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, कम तो नहीं है बिल्कुल। और आप सभी से गुजारिश है कि मैक्सिमम लोग इसे अप्लाई करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो, और ज़रूर ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। हम आगे बढ़ते हैं, आपको नोटिफिकेशन में पूरा पढ़ के बता देते हैं किस तरीके से क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंतर्गत होने वाली हैं, ताकि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएँ और अप्लाई करते समय अपने आप को जाँच लें कि हाँ जी हम इसके लिए हो पाएंगे या नहीं। तो बिहार विधानसभा सचिवालय पटना विज्ञापन संख्या 4/2018 के अंतर्गत देख सकते हैं कि चालक के लिए वेतन आयोग आप देख सकते हैं कि 19,900 रुपये से 63,200, काफ़ी अच्छा खासा है। पुस्तकालय के लिए आप 56,900 तक। क्रमपत्र विक्रेता का है 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में, और कार्यालय परिचारी का है ये है 18,000 से 56,900 तक। कार्यालय परिचारी 18,000 से 56,900 के बीच, और 18,000 से 56,900 के बीच है इनके सफाई कर्मी के लिए, माली के लिए भी उतना ही है, सबके लिए उतना ही है इनफैक्ट। तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है, पैसे भी अच्छे हैं इसके अंतर्गत। अगर आपकी नौकरी लगती है इसके अंतर्गत तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे, इन्जॉयबल है और रेप्यूटेड जगह पे है इनफैक्ट, सचिवालय में है, विधानसभा में तो काफ़ी अच्छी नौकरी मानी जाती है ये। शैक्षिक योग्यता आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है ये अभ्यर्थी के पत्तार पर, चालक को देख सकते हैं कि चालक के लिए मैट्रिक होना चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल का उसके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद आरक्षण भी है अलग अलग कैटेगरी के लिए, कि आरक्षण की सुविधा उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, दूसरे राज्य के हैं, और अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई रिजर्वेशन आपका बिल्कुल कट जाएगा वहाँ से, ये क्लियर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ पे निर्धारित मत रहिएगा कि हम रिजर्वेशन वाले हैं तो हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन का फ़ायदा बिहार राज्य के ही निवासी ले पाएंगे। अब भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती पोता पोती के लिए आरक्षण है भाग के 2526 पे दिनांक 18/2016 के द्वारा, बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों की नाती नादिनी पोता पोती के लिए 2% क्षैतिक आरक्षण दे है।
ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने गृह पिता के पदाधिकारी या उनके प्राकृतिक पदाधिकारी के हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। उम्र सीमा तो आपको बता ही दिया, 37 साल लास्ट है और 40 साल उनके लिए है जो OBC और SC के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 42 साल के लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, उनका नवंबर 2018 से 42 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा एवं पद्धति में मेधा सूची क्या है, देख लीजिए। चालक को क्या है कि इस रिक्त पदों की भर्ती, सीधी भर्ती इनफैक्ट हेतु सर्वप्रथम व्यवहारिक जांच परीक्षा ली जाएगी। व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो जितने भी चालक हैं, चालक के लिए, ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी आई है, उनका आपका साक्षात्कार होगा, एक इंटरव्यू होगा जो 100 अंकों का होगा। उसके अंतर्गत में क्या होगा, व्यवहारिक जाँच परीक्षा में वाहन परिचालन की जाँच की जाएगी आपकी, यातायात विनियमन तथा मोटर वाहन अधिनियम का ज्ञान होना चाहिए, कार्बोरेटर प्लग आदि साफ करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, कार इंजन का ज्ञान होना चाहिए, पेट्रोल डीजल या NCG का चालन तथा खराबियों का पता लगाने एवं वाहन परिचालन की छोटी मोटी खराबियों को ठीक करने की क्षमता होनी चाहिए। सब सारे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। चक्का बदलने तथा टायर में ठीक ठाक से हवा भरने की योग्यता होनी चाहिए और यांत्रिक तथा चालन कौशल की प्रायोगिक जाँच आपसे ली जाएगी। साइकिल चलाने की भी क्षमता होनी चाहिए। अब बाकी सारे पोस्ट हैं उसके अंतर्गत में क्या है कि पुस्तकालय परिचारी, क्रम पत्र वितरक, कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी दरबान, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी, कार्यालय परिचारी माली एवं कार्यालय परिचारी फर्राश के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा जो भी 100 अंकों का होगा। इसमें लिखा है कि उपर्युक्त पदों पर साक्षात्कार के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षा फल सीधी भर्ती हेतु घोषित किया जाएगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञान 2374, दिनांक 16/7/2007 एवं पात्रता 6706 के आलोक में साक्षात्कार के सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछले वर्ग में 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। वैसे अभ्यर्थियों की परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें किसी चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा, मतलब अगर आपको कोई बैरियर, आप किसी परीक्षा में अमानवीय मूल्यों का पालन करते हुए आपको रोक लगाया गया है, आपको एक्सपेल किया गया है, तो आप उसमें नहीं बैठ पाएंगे। परीक्षा शुल्क तो आपको पता ही है, 100 रुपये और बाकियों के लिए 25 रुपये, और बाकी सब चीज़ें इसमें मैंने बता दिया है आपको। तो इसमें कोई रिटन परीक्षा नहीं है एक्सक्लूसिवली, आप इतना जान लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर 100 मार्क्स का ये होगा और उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर भरिए, 100 रुपये सिर्फ लग रहे हैं। मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो ज़रूर ही इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन संबंधित हैं बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ लेकर आने वाले हैं जिसको आप देख कर, जानकर, सुनकर लाभान्वित होते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिहार विधानसभा एग्जामिनेशन, इस भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।